बैग की तैयारी, उस घर में जाएंगे और वहाँ कैंपिंग करेंगे। और ये मैडम है एक, मैं भी आई हूँ, जो डोरेमोन है। टकरा चुके हैं सब प्रोग्राम के लिए हमसे मुसाफिर, यूं तो कई बस इतना बेसुरा होता है। हाँ वही था। दिला लगा तो गाइस फाइनली हमने डिसाइड कर लिया हम कहाँ पे कैंपिंग करेंगे। तो हम ऊपर आए हैं तो जगह ढूंढी है, अभी यहाँ कोई नहीं है भाई, हम कैंपिंग करेंगे यहीं पे। तो बिल्कुल बर्फ, हिमालय कह लो, हिमालय है, हिमालय के सामने हम कैंपिंग करने वाले हैं। तो अभी दिखाता हूँ मैं आपको व्यू। वो आधे लोग वहाँ होमस्टे कर रहे हैं, जो आपको ग्रीन सा घर दिख रहा है उसमें होमस्टे कर रहे हैं। हम लोग ऊपर हैं, बहुत ऊपर हैं, और ये सामने व्यू है। तो हम लोग यहाँ कैंपिंग कर रहे हैं, ये है कैंपिंग की जगह हमने जो बनाई है। ये आश्रय लगे हुए हैं, नितेश्वर लगे हुए हैं, कैंपिंग की जगह बना रहे हैं एक्चुअली हम लोग अभी। ठीक है, अभी ऊपर ये है। तो बेसिकली हम स्टार्ट करने वाले हैं कैंपिंग, मैं बोन फायर के लिए बनाने वाला हूँ। ये लोग कैंप बना रहे हैं। ओ अल्लू, तो जिसको नहीं आता है, अल्लू अल्लू नीला, जिसको कैंप करना नहीं आता है वो सीख सकता है। हम लोग ऐसे कुछ ड्रॉ कर रहे हैं ताकि हमारा कैंप सही रहे। और हमने ये भी नोटिस किया कहाँ से हवा आएगी कहाँ से नहीं आएगी, उस हिसाब से हम ओपन करेंगे। जितना खोदोगे कुशन हमको उतना ही मिलेगा, और बहुत मेहनत नहीं करनी दिया जितना होता है। तो देख रहे हो मेहनत चल रही है अभी। ये हमने कैंपिंग खोल लिया है, कैंप खोल लिया, कैंपिंग में टेंट कर, हाँ टेंट खोल लिया है। ये जस्ट आजकल लगाने वाले हैं यहाँ पे। देखिए व्हाइट वाला पार्ट पकड़ना, व्हाइट वाला पार्ट खोलो, वो गंदा नहीं करना है। व्हाइट वाला ये हुक दिख रहा है ऊपर, मैं भी करूँ हेल्प? नहीं सर। तो ये दोनों लोग कर रहे हैं अभी। तो ठंड बहुत है भाई यहाँ पे, समझ सकते हो, बर्फ है, और बर्फ में ठंड कितनी होगी यू कैन अंडरस्टैंड राइट। बस हो गया, ज़्यादा नहीं करना, बस हमको इतना करना था कि सेंटर में ना वो पत्थर ना चुके। ये तो पड़ा है अभी, हाँ तो हटा दो, वो पत्थर नहीं वैसे। तो ये जो पिंच है, पिंच है, ये देख सकते हो। अगर किसी कैंपिंग करना नहीं आता तो वो अभी वीडियो से सीख सकता है, जो अगर बिगनर है। तो इनको ऐसे सीधा कर लेना है, ऐसे फोल्डेड वन पे होता है। तो ये कम से कम 1, 2, 3, 4, 5, 6 होते हैं टोटल, 6-7 होते हैं। तो इनको ऐसे लंबा सा कर लेना है, इसके बाद ये वहाँ फर्स्ट उस नोक पे फंसेगा। देख रहे हो हमारे आपसे फंसा रहे हैं, और ये नितेश है अपोजिट लगा रहे हैं इसमें ऐसे। हाँ हुक में लगा दी ना, हुक देखो, मैंने कहा कपड़े देखो उसके जस्ट नीचे। तो बेसिकली हमारा छोटा सा आशियाना तैयार हो रहा है वाइट, अरे भैया ब्लैक इस व्यू के साथ। ये देखो, हमारा आशियाना तैयार हो रहा है। हाँ एक प्रॉब्लम है, अगर हमें कुछ जरूरी काम आता है जैसे 2 नंबर ऐसा कुछ, तो हमें उस घर पे नीचे जाना पड़ेगा उतर के, फिर चढ़ना पड़ेगा रात में। उसको पकड़ना अच्छा रहेगा, गिरने मत देना, मतलब जितनी चीज़ें कम गंदी हो ना। तो अभी हम लोग तो ये ऐसे स्टिक कर देने हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इनको ऐसे स्टिक कर देना है, आप देख सकते हो उन्होंने स्टिक कर दिया है। ये हो गई, ये पार्ट हमारा रहता है गर्म, ठीक है, और इसको बनाती तरपाल। ये छोटा सा टेंट ऐसे भी लगा देता हूँ, अगर आप गर्म इलाके में हो, अगर आप गर्म इलाके में हो तो कितना टेंट भी चलेगा। अच्छा, दिस इज वाटर प्रूफ,
एंड एयर प्रूफ, ओके, विंड शीटर टाइप, इससे आपको हवा लगेगी। अगर आप गर्म इलाके में हो तो ये चलेगा सिंगल सिंगल, अगर आप ठंडे इलाके में हो तो यू हैव टू लाइक वेयर दिस अपसाइड, वो फ्रंट है, वो फ्रंट, तो ये डालना पड़ेगा ठंडी जगह पे हो तो, जहाँ आप पीछे होंगे, नहीं तो अगर गर्म जगह पे हो तो इससे भी काम चल सकता है। जाओ पीछे को छोड़ो, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट रेडी है, जो भी कुछ पिंस हैं जो हम नीचे मिट्टी में लगाएंगे तो उनको भी ऐसे स्टिक कर लेना है उसी कॉर्नर्स पे, सारे कॉर्नर्स पे, ताकि ये हिले ना। बाकी अगर हवा तेज चलती है तो उड़ने का डर है, तो उसके लिए हमारे पास स्टिक्स है जो हम जमीन पे लाइक फिट करेंगे और ताकि वो कहीं उड़े ना। ये हमारे कुछ क्या करना है, ये एक फोटो, गांठ बची हुई है, ये गांठ बची गई, ये सूख पे उग जाएगा मिट्टी में, गाड़ दो। और ये एंड पार्ट, ये एंड पार्ट इस ब्लू पे बांधना है आपको, तो ये एंड पार्ट है वो ब्लू पे बांधना है, और दूसरा जो है आपको मिट्टी पे गाड़ना है ताकि डिसलोकेट ना हो वो चीजें अपनी जगह से। तो ये करने लगे हैं और फिर तो ये फर्स्ट पहला तो जो एक साइड का है वो उसे बांधने लगे हैं। ये अच्छे से बांध लेना है ताकि बाद में फिर या उड़े ना, तो हमने बांध दिया अच्छे से, उसको भी नहीं कुछ होगा, उसको नोट बांधनी है रैबिट वाली, जो जितना स्ट्रेच होती है उतनी टाइट होती है। तो अभी ये दूसरी साइड हम, और ये बांधना है हमेशा ओपोजिट डायरेक्शन में, तो बेसिकली अपोजिट डायरेक्शन में करना है क्योंकि ताकि उसका बैलेंस बना रहे, वो उखड़े ना, इसलिए हमें अपोजिट डायरेक्शन में ही गाड़ना है, इसे गाड़ दिया हमने यहाँ पे, तो चारों कोने ऐसे ही गाड़ने हैं जैसे सर बता रहे हैं। तो एक नितेश ट्राई करेंगे अभी, तो बेसिकली ये कैंप हमारा ऑलमोस्ट रेडी है, तो मैं अंदर भी जाके दिखाऊंगा एक बार, वैसे एक बार रेडी हो जाए तो देख सकते हो यार कैंपिंग क्या ही कैंपिंग हो रही है। तो यहाँ पे हम बोन फायर के लिए रेडी करेंगे, अभी खाली है मैं भी रेडी करूँगा, ये मेरा काम है। यहाँ पे ऐसे खाना मिलता है, ये दो और उस वीडियो वाले को मिला के तीन बेवकूफ है जो टेंट में रुकेंगे यार, ये अच्छा है, जो ये खाना बनने वाला बहुत अच्छा है, नहीं रगड़ा दो ही रह जाएंगे। हम नहीं वैसे रशिया, दोनों में ही हम किसी भी पक्ष में नहीं थे, वो तो होना पड़ा था, वो तो ब्रिटिश के कारण हमें होना पड़ा था, ब्रिटिश आर्मी के अंदर लड़े थे ना, हाँ भाई ब्रिटिश इंडियन आर्मी से लगे पुराना, तो यही था वैसे वो भी तो थी, डेढ़ दो साल बाद किसी ने डिस्कशन किया वरना होता ही नहीं भाई साहब। सर पता क्या है, इसलिए ये लोग अभी तक निकले नहीं, देखने भी नहीं आए कैंपिंग ऊपर क्या कर रहे हैं, ये लोग जिंदे हैं या नहीं जिंदे हैं। अरे हमने हमने तो अंदर आके डिसाइड कर लिया कि हम तो दिखने भी नहीं जाएंगे, एक प्लान सर आज का यही रहते, कल की रात में एंड कर लेंगे, कुछ फोकस उधर करो कुछ कह रहे नहीं नहीं मजाक है सर, सीरियसली नहीं नहीं कैंपिंग में अकेला करूं, ऊपर जाकर करूंगा जरूर, करनी है भैया, वो फील कर रहा है वो कैंप लगाऊंगा, लेकिन ये मार थप्पा है चाहिए भाई सर, ताल से मुंह पे एक साल पहले वो मिटाना है हमको, नहीं नहीं आपका तो कुछ नहीं है भाई, हेलो
आपका तो कुछ भी नहीं है यहाँ भाई, एक साल से कैंप लेके बैठे हुए हैं, दाशीर से कैंप लेके बैठे हुए हैं, जलंधर आया था टेंट लेने।